अगर आपके ऑक्टोबैट की बैटरी की लेवल आपको पता नहीं है, आपके ऑक्टोबैट की बैटरी खराब हो गई है, कैसे चेंज करना है पता नहीं है, ऑक्टोबैट एसपी 20X हो या एसपी 20, आपके ऑक्टोबैट के पैचेस अपने आप से चेंज हो रहे हैं, आपके पास ऑक्टोबैट एसपी 20X है और उसके पैचेस अपने आप से चेंज हो रहे हैं, इस सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम के रिलेटेड सभी डिटेल्स, सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, जय हो पापा की। मैं हूँ विशाल और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में अपन हमारे जो सब्सक्राइबर भाई है, जो हमारा वीडियो रेगुलरली देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उनके ऑक्टोबैट में एक दिक्कत आ गई है कि उनके पैचेस अपने आप से चेंज होते हैं। तो घबराइए नहीं, राघव जी आपका ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दूंगा, आपके लिए ही स्पेशल वीडियो बनाई है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके ऑक्टोबैट में प्रॉब्लम आ गई है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफी भी स्किप मत कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चले फिर फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इस तो सबसे पहले आपको बता दूं ऑक्टोपैड की बैटरी की लेवल कैसे चेक करते हैं। तो चले फिर फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर आप देख लीजिए, इस तरह आपको करना पड़ेगा। सिंपली आपको क्या करना है, अभी देख लीजिए आप, यहाँ पे पैच नंबर 27 है, 29 मैं चेंज कर देता हूँ। अब इसको स्विच ऑफ करता हूँ, स्विच ऑफ करने के बाद इफेक्ट्स ऑन ऑफ बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर वाले एरो पे बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा और इधर से ऑन करना पड़ेगा ऑक्टोबैट। यहाँ पे ऑक्टोबैट ऑन किया तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएंगे आपकी बैटरी की लेवल की, आपकी बैटरी की लेवल कितनी है पता चल जाएगा। यहाँ पे 2.7 दिखा रहा है, यानी 27 दिखा रहा है, मतलब 2.7, वैसे 3.3 गुड रहती है, 2.7 मीन्स गुड भी नहीं है, बैड भी नहीं, समझो। यहाँ पे 2.2 से नीचे आता है तो आपकी बैटरी खराब हो चुकी है, आपकी बैटरी की कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे इरर करके लिख के आता है। तो इस तरह से आप आपकी ऑक्टोपैड की बैटरी चेक कर सकते हैं, और ये चेक करने के बाद आपको सिंपली टर्न ऑफ करना है और फिर से ऑक्टोपैड चालू करके आप पैच बजा सकते हैं। इस तरह से आपके ऑक्टोपैड की बैटरी आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके ऑक्टोबैट की बैटरी चेक करने के बाद, ऑक्टोबैट की बैटरी की लेवल चेक करने के बाद, समझो ऑक्टोबैट की बैटरी ख़राब हो गई तो आपको बैटरी कैसे चेंज करना है, ये भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इसी तरह की प्रोसीजर आपको करनी है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए, जब भी आप ऑक्टोबैट की बैटरी चेंज करते हैं तब आपको आपका ऑक्टोबैट स्विच ऑन करके ही रखना है। आप स्विच ऑन करके नहीं रखेंगे तो आपके ऑक्टोपैड के सभी पैचेस डिलीट हो जाएंगे। कि आपको जब भी बैटरी चेंज करनी होगी तभी आपको आपके ऑक्टोपैड को करंट सप्लाई देना पड़ेगा, आपका ऑक्टोपैड आपको स्विच ऑन कंडीशन में ही रखना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको बताता हूँ ऑक्टोपैड में पैचेस चेंजेस क्यों होते हैं। तो ऑक्टोपैड के पैचेस इन सभी कारणों की वजह से ही चेंज होते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके ऑक्टोपैड में पैचेस चेंज हो रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको आपका ऑक्टोबैट ओपन कर लेना पड़ेगा। जो मेन वाला पार्ट है ऑक्टोबैट का, मदरबोर्ड पे आपको ब्लैक वाली आईसी दिखेंगी, बड़ी वाली आईसी दिखेंगी आपको ब्लैक वाली ऑक्टोबैट के मदरबोर्ड पे, वो अच्छी तरीके से फिक्स नहीं होंगी। तब जब ये आईसी फिक्स नहीं होंगी तभी यह प्रॉब्लम आता है, तो आपको उसको अच्छी तरीके से शोल्डरिंग करना पड़ेगा। शोल्डरिंग करने के बाद ये प्रॉब्लम आपके ऑक्टोबैट में नहीं आएगा। अगर आपके ऑक्टोबैट की आईसी खराब हो जाए तो आपको यह चेंज करना पड़ेगा, समझो। यह करने के बाद भी आपके ऑक्टोबैट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपका मदरबोर्ड खराब हो गया होगा, या ऑक्टोबैट के मदरबोर्ड पे जो भी ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टर है, डायोड वगैरह है, सबको आपको चेक करना पड़ेगा मीटर यूज़ करके।
वोल्ट मीटर यूज करके आपको सब चेक करना पड़ेगा कि कितना एम्पियर आ रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। सब चेक करने के बाद समझो जो भी डायोड रेजिस्टर वगैरह जो भी ख़राब हो चुके आपको निकाल के उसी नंबर के आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको यह काम में दिक्कत आ रही होगी, यह करने के लिए दिक्कत आ रही होगी, तो पास के ऑक्टोपैड केयर सेंटर में आप जाइए, वहाँ पे आपका ऑक्टोपैड ठीक कर लीजिए। आई होप आपको यह सभी जानकारी हेल्पफुल रही होंगी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और पैच एडिटिंग की वीडियो आपको चाहिए होंगी तो यहाँ पे आई बटन पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल है, और हमारी जो प्लेलिस्ट है ऑक्टोपैड वीडियोस प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए पैच के साथ, नए पैच एडिटिंग के साथ, नए आपके प्रॉब्लम के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।